नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है मशीन पिको सिलाई मशीन का सेटल कैसा सेट करना है वो देखने के लिए। अभी ये जो दाब है, फुट है, वो फावड़े में निकाल देता हूँ। उसके नीचे की जो प्लेट है, ये नट खोल के उसको भी निकाल देता हूँ। ये सब निकालने के बाद में कुछ ऐसा दिखेगा आपको शटल। अब ये शटल के सामने एक प्लेट है काले कलर की, और ये शटल जो रोटरी घूम रहा है उसको देखिए कैसा लगाना है। तो जब सुई पूरी नीचे जाके थोड़ी सी ऊपर आएगी, अब देखो कैसी ऊपर आ रही है थोड़ी सी, यहाँ पे शटल का नोक आपको एडजस्ट करना है। पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे एडजस्ट करना है। तो ये देखिए अभी शटल थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, मतलब सुई के नज़दीक आ रहा है, तब सुई भी ऊपर जा रही है। तो ये पोजिशन पर उसको सेट करना है। ये जो सेटिंग है बहुत ही आसान है, लेकिन इसी के आपको 150, 200, 400 रुपये देने पड़ते हैं। कोई कोई जगहों पे इसका इतना सा काम करने के लिए आपको पैसे तो ज़्यादा जाती है, लेकिन समय भी बहुत लगता है। इसके अंदर ये पीको का बटन 3 पे सेट कर लीजिए। 3 पे सेट करने के बाद में 3, 3.5 जो भी आपको लगे, उसके बाद में शटल का जो नोक दिख रहा है अभी आपको, वो नोक देखिए, सुई का डंडा ऊपर आ रहा है और नोक सुई के पीछे से जा रहा है। अब शटल का नोक आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सुई का नोक कौन सा रहता है। अब जो सुई को चिपक के चल रहा है जो नोक, वो वाला नोक है, वो थोड़ा सा जब पूरी सुई अंदर नीचे जाएगी, कंप्लीट अंदर कि उसकी एंड हो गया, जब सुई पूरा अंदर घुसेगा, ये देखिए ये शटल जिसको मैंने अभी फिट किया है। अब ये शटल का नोक जिसको मैंने हाथ लगाया है, ये आउटर कवर को मैंने साइड कर लिया है ताकि उसको सुई ना लगे। अभी मैं आपको सीधी मशीन बता देता हूँ। अब देखिए मैंने शटल को पकड़ के रखूँगा, देखिए अभी ये शटल को आपने पकड़ के रखना है। देखिए ये ऊपर आ गई थोड़ी सी सुई, थोड़ी सी ऊपर आ गई। अब थोड़ी सी ऊपर आने के बाद में यहाँ पे इसका नोक मैंने सेट कर लिया और इसका जो नट है वो कस लिया। देखो ये नोक दिख रहा है, ये नोक सुई के पास में, एकदम चिपक के भी नहीं होना और ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं होना, नहीं तो मशीन टप्पा छोड़ेगी, मतलब रुक रुक के सिलाई आएगी। इसके अंदर अब देखिए आप ये नोक जो है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अब ये मैंने इसके अंदर फिटिंग करके छोड़ दूँगा। अब ये शटल पूरा फिट होने के बाद में जो जो चीज़ आपने निकाला था, दात्री, प्लेट, दाब, सब जैसा था पहले वैसा लगा देने का। ये हो गया आपकी मशीन की सेटिंग। बाकी आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे चल के बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे, वो आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फिर से एक बार। बाकी आपको जब सब्सक्राइब कीजिए।